आया आपको मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते, जहां पर श्याम सुंदर वाजपेयी निवासी गायत्री नगर APS यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं। रीवा पुराने बस स्टैंड के पास बैजू धर्मशाला के समीप हुई घटना। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है कि धर्मशाला में कई दिन से कोरेक्स मेडिकल नशेड़ियों ने वहां पर कब्जा जमा रखा था, जो आए दिन राह चलते जनता को परेशान करते थे और नशे की लत में पैसे की मांग करते थे। जनता द्वारा पैसे ना दिए जाने पर जनता के ऊपर चाकू छुरा इस्तेमाल करते पीड़ित ने सिविल लाइंस थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। कौन मारपीट किया आपके साथ? मैं अज्ञात लोग थे सर, कोरेक्स के लिए पैसा मांग रहे थे और देने से इनकार किया। कहाँ की घटना है ये? वही धर्मशाला के पास की घटना। काहे से मारे हैं आपको? चक्कू से मारे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं विश्वविद्यालय में नौकरी करता हूँ और गायत्री नगर में रहता हूँ। तो अज्ञात लोग मारे, पहचानते नहीं हैं? सामने आ जाएंगे तो पहचान जाएंगे। वहाँ उनका अड्डे है, आग के लालच में सब चले गए कि आग जल रही थी, बस हो गया सर। आग तापने गए थे? कहाँ पे चक्कू मारे हैं जी? कहाँ पे मारे हैं चक्कू? टांग में चक्कू लगी है, पीठ में चक्कू लगी है और आपके अभी की घटना है। घटना कितने बजे की? घटना करीब 3:30 की है। रात को? अरे अभी दिन की है सर, 3:30 सुबह दिन की घटना है सर। ठीक, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर वाजपेयी। मैं विश्वविद्यालय में सर्विस करता हूँ और कुछ काम से मैंने गए थे कि इधर से निकलेंगे तो ठंडी का टाइम आग का अपने के हिसाब से। ठीक, घूमिए, चोट कहाँ लगी? पीछे आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।